पटना से खबर बता दें, जहां राजधानी पटना के पटना जंक्शन के पास होटल में आग लगी है, उसमें क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल आग पर काबू पाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। जैसे ही इस खबर की सूचना अग्निशमन विभाग की टीम को मिली, मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आप बता दें, ये जो होटल है वो पटना जंक्शन के पास ही मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि आगलगी की घटना सामने आई और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार वहां के दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर जब आग लगी थी उसके बाद ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जिसमें आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या अपडेट है, आग पर काबू पा लिया गया? देखिए, अभी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर कई लोग फंसे हुए हैं। और देख रहे होंगे आप तस्वीरों में, हाइड्रोलिक जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, रेस्क्यू करके काफी संख्या में जो महिलाएं भी हैं उसमें, उनको रेस्क्यू कर नीचे निकाला उतारा जा रहा है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी आग राजधानी पटना में, और वो भी पटना जंक्शन के पास। ये जो जानकारी मिली है, प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये होटल है और होटल के ऊपरी मंजिल में ये आग लगी है। तो आग ने काफी भयावह रूप धारण कर लिया। बगल की एक बिल्डिंग है उसमें भी आग लग गई है। तो चारों तरफ फिलहाल धुआं फैला हुआ है, अफरा तफरी का माहौल। हालांकि प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल पहुंच गई हैं और रेस्क्यू कर धीरे धीरे जो लोग फंसे हुए बिल्डिंग में उनको प्रायोरिटी है निकालना और उनको निकाला जा रहा है। फिलहाल जो सारे अधिकारी हैं पटना जिला प्रशासन के, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए हैं और बिल्कुल यहां पर अब रेस्क्यू वर्क जो है वो तेजी से किया जा रहा है। पांच मंजिला ये इमारत जो है वो दिख रहा है। आसपास काफी कंजेस्टेड एरिया भी है, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि बहुत सारे जो इमारत है आसपास सटे हुए हैं। तो क्या इसी बिल्डिंग में सिर्फ आग लगी है, सारे मंजिले तक आग पहुँच चुकी है? देखिए सिप्रा, आग आग जो है वो नीचे से पकड़ ऊपर की तरफ बढ़ रही है और बगल के एक बिल्डिंग में भी आग लग गई है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगातार पानी की जो बौछार है वो दे रही हैं। जो बगल की बिल्डिंग है उस पर भी काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। फिलहाल आग पर कुछ काबू पाया गया लेकिन धुआं चारों तरफ से फैल गया है, जो और भी खतरनाक है क्योंकि पूरा कंजस्टेड इलाका है, लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं और धुआं को देखते हुए प्रायोरिटी इस बात की जितने लोग फंसे उनको फिलहाल हाइड्रोलिक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनसे नीचे उनको उतारा जाए, रेस्क्यू कर लगभग कितने लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है? संजय, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पा रहा है? संभावना की बात कर रही है तो लगभग 2 दर्जन लोग फंसे हुए इस बिल्डिंग में जो देखने से पता चल रहा है। हालांकि कई लोगों को हाइड्रोलिक गाड़ियों से नीचे उतारा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि और गाड़ियां तुरंत यहां मौके पर पहुंचेंगी और सुरक्षित उतारा जाएगा। प्रायोरिटी इसी बात की है कि जो लोग बिल्डिंग में फंस गए हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर सुरक्षित उतार लिया जाए। एक तरफ आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, दूसरी तरफ जो बिल्डिंग में फंसे हुए लोग हैं उनको भी निकालने का काम फिलहाल देखने को मिल रहा है। जी सिप्रा, चलिए आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर।